आज का राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मेष राशि, मेष राशि के जातकों को आज हल्की सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन व्यवसाय में लाभ और धन के मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा उनके लिए, और शारीरिक अस्वस्थता जो भी उनकी आज राइज करेगी वो शाम होते होते यानी कि शाम तक रात तक वो समस्या उनकी मिट जाएगी। वृष राशि, वृष राशि के जातकों को आज बाधा का सामना करना पड़ेगा और विशेष करके शत्रु बाधा का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी दौड़ धूप हो सकती है। मिथुन राशि, टेंशन का माहौल होने के बावजूद वो हैंडीक्राफ्ट्स के काम, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी वाले काम में सफलता प्राप्त करेंगे। जो जातक गीत संगीत के काम में है या अभिनय के क्षेत्र में है, वो निश्चित तौर पे आज उनके लिए सफलता का दिन रहेगा, प्राप्ति का दिन रहेगा। कर्क राशि, नए योगा योग के साथ जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के मामले में कुछ प्रोग्रेस आज उनकी हो सकती है। सिंह राशि, लॉस होने की आशंका है किसी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन छोटी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो आज यात्रा टाल दें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आज का दिन धन प्राप्ति का दिन है, अच्छा दिन है। थोड़ी सी बाधा के साथ दिन सफल ही रहेगा और किसी पुराने मामले से, किसी पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में कुछ प्राप्ति या कहीं का कुछ फंसा हुआ पैसा या कोई इंश्योरेंस वगैरह क्लेम ईटीसी से उनको आज लाभ मिलने की आशा है। तुला राशि, खर्च होगा मगर व्यवसाय संबंधी मामलों में फायदा भी होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जो भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन लाभवान रहेगा, लेकिन खर्च भी साथ ही साथ चलता रहेगा। वृश्चिक राशि, प्राप्ति का दिन है, अच्छा दिन है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, आनंददायक दिन रहेगा, खर्च थोड़ा बहुत लगा रहेगा। धनु राशि, कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्ति, किसी भी तरह की कंपटीशन में सफलता, रोमांस प्रेम इत्यादि मामलों में सफलता। मकर राशि, कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी चिंता होने की आशंका बनती है, डोमेस्टिक लाइफ में भी थोड़ी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, कुल मिलाकर बहुत टेंशन वाली स्थिति नहीं बनेगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, छोटी यात्रा कोई हो सकती है, किसी धार्मिक स्थल पे आज आपका जाना हो सकता है या आज आपको जाना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए आज व्यवसाय में सफलता, लेकिन थोड़ी बाधा भी प्राप्त होगी। जितना वो सोचकर व्यवसाय में आज इन्वेस्ट करेंगे या उतरेंगे या दुकानदारी के मामले में भी दुकान खोलेंगे, तो आज उतनी बढ़िया मार्केट नहीं ले पाएंगे, वो नहीं मिलेगी। आज धन्यवाद देने के पहले दो चार बातें लगे हाथ बोलना चाहता हूं। कुछ लोग
डेली राशिफल को किसी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वो कह रहा है कि सर आप इसमें कहां से आ गए, ये तो आज सारी दुनिया जानती है कि ये एक इंटरटेनमेंट का साधन है। मैं इस उनके इस स्टेटमेंट का पुरजोर विरोध करता हूं और सिरे से खारिज करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्र राशि से डेली के गोचर को समझना बहुत कठिन खेल है, बहुत कठिन खिचड़ी है, ये बीरबल की खिचड़ी की तरह है जिसको पकने में बड़ा समय लगता है, इतना आसान नहीं है ट्रांजिट को समझना। हाँ, ट्रांजिट जो है चंद्रमा की स्थिति के अनुसार और उसके बाद उनकी नक्षत्रों की गतिविधियों के अनुसार उसका फलादेश निकाला जाता है और अच्छा या बुरा, उसका आज एक टिप्स मैं बताता चलूं आपको। ये जो हम कहते हैं आज फलाने जातक को लॉस होगा, तो कोई तर्क कर सकता है कि इस राशि के क्या सभी जातकों को लॉस होगा? जी नहीं, नहीं होगा। यहां दशा अंतरदशा की और इंडिविजुअल कुंडली का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चंद्रमा की दशा चल रही हो तो चंद्र राशि का गोचर बहुत ज्यादा जातक पे अफेक्ट करता है। चंद्रमा जिसके नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र ट्रांजिट में किस स्थिति में है, और अगर उस नक्षत्र की दशा महादशा चल रही है जातक की कुंडली से, तो जातक को ज्यादा पता चलता है, वो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट लाइन उनके लिए ज्यादा फेवरेबल होती है ये डेली राशिफल की। सब पे तो नहीं ही चलेगा, आज बारिश होगी तो सार सबके घर थोड़ी बह जाएंगे, जिनके कच्चे मकान होंगे उनके बहेंगे, उनके घर में पानी भरेगा, वो रात को मूढ़ी खा के सोएंगे कि पानी खा के सोएंगे ईश्वर ही जानता है, लेकिन सातवें माले पे बैठा हुआ व्यक्ति तो बड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी पत्नी को कहेगा ना कि आज बड़ा खुशगवार मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, गर्म गर्म कॉफी या चाय और पकौड़े तल कर लाओ जरा, है ना। तो वो जो सातवें माले में बैठा हुआ है वो उसकी लग्न है, उसकी मजबूत लग्न है, जिसकी लग्न कमजोर थी वो झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसका झोपड़ा बह रहा है। तो लग्न के अनुसार ट्रांजिट का फल होता है। ट्रांजिट उस बारिश की तरह है जो किसी एक खास इलाके को पूरी तरह से चपेट में ले लेती है। ट्रांजिट का प्रभाव जो सामग्रिक तौर पे तो एक जैसा ही पड़ता है, लेकिन फिर इंडिविजुअल लग्न और इंडिविजुअल कुंडली के अनुसार उस परिवार उस प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है। ये बड़ा वक्त लगता है समझने में, और वैसे भी ज्योतिष कोई आसान चीज नहीं है। चलिए, थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया, थैंक यू।